श्रीनगर में शहीद हुए जिले के जवाब नौजवान को सभी ने बढ़कर श्रद्धांजलि दी। दीपावली के सुबह ही उनका शव जिला मुख्यालय पहुंचा। जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर बक्सर पहुंचा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत माता की जय के नारे के साथ आगे आगे लोग चलते रहे, पीछे पीछे शहीद का सम्मान के साथ शमशान घाट पर पहुंचा पार्थिव शरीर। चरित्र वन के पौराणिक घाट पर वीर जवान शैलेंद्र पुत्र वीरेंद्र सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 5 वर्ष पहले राष्ट्रीय राइफल के योगदान करने वाले बहादुर जवान का जीवन इतना छोटा होगा ये कोई सोचा नहीं था, यही किसी को अनुमान भी नहीं लगा। लेकिन जब भी यह घटना घटी तो जो भी चरित्र वन स्थित गंगा घाट पर पहुंचे वहीं सभी लोगों ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। शहीद की अंतिम विदाई के भाजपा के परशुराम चतुर्वेदी जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह विश्वनाथ राम, युवा अध्यक्ष निकू तिवारी, अमित सिंह, अजीत सिंह, अरुण कुमार, वरुण सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या संदेश? देखिए, आज ये भारत माता के वीर सपूत शहीद शैलेंद्र जी के सम्मान में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और NDA के सभी घटक दल के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग मिल करके आज अपने एक वीर शहीद को, आज अपने एक वीर पुत्र को यह पुष्पांजलि देकर के यह सम्मान देने आए हैं कि हम भारत माता के वीर सपूत को सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि आज उन्हीं की बदौलत आज हम जो भी कर रहे हैं जैसे भी हैं उन्हीं की बदौलत है। आपका परिचय? राणा प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी की बात है। बहुत गमगीन है, अभी तो 20-22 साल का लड़का था और इस देश की रक्षा करने में वो मारा गया। बहुत दुखी हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सो इनकी आत्मा को शांति दें, परिवार को इतनी कम से कम ताकत दें कि परिवार इस दुख को बर्दाश्त कर सके। आपका परिचय सर? शेषनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बक्सर का हमेशा शहीदों में कुर्बानी देने में सबसे ऊपर रहता है और हमारे सैनिक जो हैं बक्सर जिला के या बिहार के जो सैनिक हैं हमेशा ही कुर्बानी देने में कभी पीछे नहीं हटते और हमारे बक्सरवासी, खास करके हमारे पत्रकार मीडिया, हमारे और भी जो नेतागण हैं सबका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे शहीदों को एक सम्मानपूर्वक जो अंतिम यात्रा होती है वही उसकी एक आखिरी यात्रा है, उस पर हम लोगों को हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए। सैनिक संघ मांग करेगा क्या? सैनिक संघ हमेशा से ही सैनिकों के सम्मान के लिए लड़ता रहा है और हमेशा यही मांग करेगा कि बस सैनिक को और कुछ नहीं चाहिए, एक सम्मान भरी जिंदगी चाहिए और एक शहीद को जो एक सम्मान मिलना चाहिए, कोई स्मृति चिन्ह बनना चाहिए, उसके नाम पर कोई रोड बनना चाहिए, कोई विद्यालय बनना चाहिए, यही एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा चीज़ है। आपका परिचय? मैं सुबेदार मेजर रामनाथ सिंह, बिहार राज्य पूर्वी सैनिक संघ जिला बक्सर का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत